हेलो दोस्तों, जॉट बाइक केयर में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों, हम बताएंगे स्प्लेंडर का क्लच कैसे फिटिंग हो, फिटिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान दें और क्लच प्लेट कौन सी कंपनी की डालें, नकली से कैसे बचें, सावधान रहें नकली माल से। मार्केट में इतनी धांधलेबाजी चल रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा। हम दिखाएंगे क्लच कैसे फिटिंग होता है, दिखाओ। ठीक है, ये हमारा हमने वॉश वॉश कर दिया है। सबसे पहले हम लगाएंगे वॉशर, उसके बाद हमारी भोगली लगेगी और प्राइमर गियर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, ये हमारी फिल्टर है, जाली भी बोलते हैं इसको, फिल्टर। इसको क्लिंग जरूर करें क्लच जब हम खोल लें, क्लच प्लेट के लिए खोल लें, क्योंकि कभी वह क्या होता है इसमें कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो ये ऑयल सप्लाई नहीं हो पाती ऊपर, तब हम परेशान हो जाते हैं, ऑयल पम्प भी डाल देते हैं लेकिन हमारी ऑयल की सप्लाई ऊपर तक नहीं आती। तो इस फिल्टर को जोड़ साफ करें, ये जाली यहाँ लगेगी। ठीक है, हमने ये सब लगा दिया, प्राइमरी की गराई लगा दी। अब हम लगाएंगे क्लच हाउजिंग, ये हमारा क्लच कटोरा है। ठीक है, अब हम लगाएंगे ये स्टार वाशर, फिर लगेगी हमारी ये दो कट वाशर है, ये दो कट वाशर लगेंगी, फिर ये लॉक करने के लिए एक ये वाशर है। ठीक है, ये हमारे क्लच हो गया लोग। अब दिखाओ ऊपर। दोस्तों, अब हम इसमें क्लच प्लेट कौन सी डालें। अगर आप मार्केट में हो कहीं, आप फंस गए, आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हुई है स्प्लेंडर की, तो आप सबसे पहले हीरोंडा की जेन्युइन क्लच प्लेट लें। अगर जेन्युइन नहीं है ना उसके पास, तो ये देखो FCC की क्लच प्लेट, कि भैया हमें तो FCC की क्लच प्लेट दे दे। बिल्कुल जेन्युइन क्लच प्लेट है, आँख बंद करके आप अपनी स्प्लेंडर बाइक में डलवा सकते हो। और क्लच प्लेट बहुत सारी कंपनी बनाती है, MK हो गई, मकीन हो गई, ये क्लच प्लेट नहीं डलवानी, ये क्लच प्लेट लोकल है, सिर्फ होंडा जेन्युइन और FCC, ये दोनों ही जेन्युइन क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट होती किस तरह है दिखाते हैं आपको। ये क्लच प्लेट हमारी, अब बिल्कुल कैसे लगाएं देखो। फिटिंग करते समय जो हमारे हाफ सेंटर होते हैं इन पर ध्यान दें, ये कटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल ओके हैं। पहले लगाएंगे हम क्लच प्लेट, ठीक है दोस्तों, फिर लगाएंगे हम प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम प्रेशर प्लेट, फिर लगाएंगे हम क्लच प्लेट, फिर लगाएंगे हम प्रेशर प्लेट और लास्ट वाली क्लच प्लेट। ठीक है, और फिर जो हमारा सेंटर है, हम सेंटर को इस तरह बिठाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो सेंटर है बैठ गया है, अब हम इसमें इसको लगाएंगे। ठीक है, बड़े सावधानी से लगाएं क्लच को। ठीक है, अब इसमें ये दिखाओ, देखो ये तीन क्लच प्लेट एक घाट में आएंगी और जो सिंगल वाली है अलग आएगी। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाशर है ना, ये देखो इधर अंदर है, ये उठा हुआ है और इधर एक लोगो भी दिखाई दे रहा है, निशान दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से लगेगा देखो। ठीक है, फिर ये हमारा बोल्ट है, इसको लगाएंगे हम। जब हमारा क्लच फिटिंग हो जाए, ये हमारा फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, गैप भी चेक कर लें। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फिटिंग। ये पोलर है नट टाइट करने का, हमेशा पुलर से ही टाइट करें, छेनी हथौड़े से टाइट ना करें, हमारे इंजन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारी इंजन की सापट होगी वो टेढ़ी हो जाएगी और इंजन में हमें मज़ा नहीं आएगा और जो हमारे नट बोल्ट है वो ख़राब हो जाएंगे। हमेशा पुलर से ही नट टाइट करें। ये देखो क्लच हमारा फिटिंग हो गया है, इसका घूमना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब हम इसमें लगाएंगे चार स्प्रिंग, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और फिर ये होल्डर है, क्लच होल्डर बोलते हैं, इसमें 10 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं, बोल्ट टाइट करेंगे हम। बोल्टों को फेस टू फेस सामने करें, टाइट करें आमने सामने। दोस्तों, ये हमारे क्लच की प्लेट है, इसको साफ करके लगाएं जरूर। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें ऑयल रुकता है, हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होती, ऑयल में हमेशा लूप रहती है क्लच प्लेट हमारी। इसके दो 8 नंबर के बोल्ट हैं, ये बोल्ट को लगाओ यहाँ।
पहले इसमें एक बैरिंग होता है छोटा सा, इसमें एक देखो छोटा सा होल होता है जो आपको बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। इस होल का फ्री रहना बहुत जरूरी है। ये होल अगर फ्री नहीं होगा तो हमारी क्लच प्लेट बार बार खराब होती रहेंगी, क्योंकि ये क्लच प्लेट पे ऑयल सप्लाई करता है। ठीक है, इसको करते हैं फिटिंग। ठीक है, ये जो वॉशर है ये ऐसे लगेगा, इस पर लोगो है, ये बाहर की तरफ लगेगा, इसका ये बोल्ट है। ठीक है, पुलर से ही बोल्ट को टाइट करें, छेनी थोड़े से बिल्कुल ना करें। ये हमारा जो है क्लच फिटिंग हो रहा है, फोर मूव है, इसको टाइट करें। ये देखिए कुछ इस तरह से क्लच होता है हमारा। ये हमारी दो भोगली हैं, एक यहाँ लगेगी और एक इस साइड में लगेगी यहाँ। ठीक है, और अब हम लगाएंगे क्लच की पैकिंग। इधर इधर ये देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा इंजन। ये हमारी पैकिंग है, पैकिंग बैठ चुकी है। लगाएंगे इसका चैम्बर, क्लच चैम्बर। एसी लगा ली है हमने इसकी। दोस्तों क्लच चैम्बर हमने लगा दिया है। ये इस तरह से क्लच फिटिंग होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।